हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था ख़त्म है। आज है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। क्या है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, बच्चों कोई मुझे बता सकता है? हाँ सही कह रहे हैं। हमने क्या पढ़ा अभी पिछले डिस्कशन में, हमने क्या पढ़ा? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हमने पढ़ा। लाइट के पास जो है, लाइट वेव है, वेव तो है ही लाइट, लेकिन लाइट पार्टिकल भी निकली प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बाद, ठीक है। फिर लाइट को कह दिया गया कि जो है लाइट जो है पजेसेस ड्यूअल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि यार जब वेव के पास पार्टिकल करेक्टर है तो क्या इसका रिवर्स ट्रू हो सकता है? क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? अगर वेव जो है पार्टिकल, वेव के पास पार्टिकल करेक्टर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल के पास भी वेव करेक्टर हो? पार्टिकल माइट ऑल्सो एग्जिबिटेड वेव, ठीक है। तो डी ब्रॉगली का इसे क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। आप जानते हैं किसे कहते हैं? क्या होता है हाइपोथेसिस? ख्वाबों ख्यालों की बात जिसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने यह कहा कि जैसे जो है वेव के पास पार्टिकल करेक्टर है, वैसे ही पार्टिकल माइट ऑल्सो एग्जिबिटेड वेव, ठीक है। फोटोन से एनालॉगी लेकर, अगर कोई एम मास की बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई बॉल, हम आप क्रिकेट की बॉल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे होंगे, कोई मैटर बॉडी, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो उसके साथ वेव एसोसिएट करेगी। उस वेव की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है, उसे डी ब्रॉगली वेव कहते हैं हम, ठीक है। तो उस ज़माने में जो है डी ब्रॉगली ने यह हाइपोथेसिस दिया, तो क्रिटिसाइज़ भी किया गया डी ब्रॉगली को बहुत ज़्यादा उस ज़माने में कि ये पगला गया है, कि पार्टिकल के पास वेव करेक्टर कैसे होगा भाई, ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया गया। कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग अपोज में थे, और सपोर्ट अपोज के चक्कर में जो है डी ब्रॉगली का इंतकाल हो गया, परलोक सिधार गए। उनके परलोक सिधारने के मेरे ख्याल से 20-30 साल के बाद डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। डी ब्रॉगली ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने एक जो है एवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, एवैक्यूएटेड चैम्बर जिसमें बाहर से कुछ भी एंटर ना कर सके, और उसके ऊपर जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकल के क्रिस्टल के ऊपर, निकल के टारगेट के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया। तो बम्बार्ड कराने पर उन्हें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला, ठीक। डिफ्रेक्शन होता किसका है? वेव का। था क्या वहाँ? ओनली इलेक्ट्रॉन बीम, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, है नहीं। और जब उस डिफ्रेक्शन पैटर्न से उन्होंने वेवलेंथ निकाली, तो उन्हें वेवलेंथ एग्जैक्टली तो नहीं, 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिली। किसकी एक्यूरेसी? वो जो डी ब्रॉगली ने जो फार्मूला दिया था, उस फार्मूले से वेवलेंथ फाइंड करी, और अपने एक्सपेरिमेंटल जो ऑपरेटस था उसमें वेवलेंथ फाइंड करी, तो दोनों से वेवलेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर क्या मिली? सेम मिली, 99% एक्यूरेसी मिली। कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर भी होती है, तो उन्होंने कह दिया कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? वो करेक्ट है। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि पार्टिकल माइट ऑल्सो एग्जिबिटेड वेव, पार्टिकल माइट ऑल्सो एग्जिबिटेड वेव करेक्टर या वेव, ठीक है। डी ब्रॉगली ने ये कहा, तो डी ब्रॉगली ने जो है फोटोन से एनालॉगी लिया। अगर कोई फोटोन की वेवलेंथ क्या निकाली थी हमने, क्या निकाली थी बोलो, वेवलेंथ कितनी है? एच अपॉन ई इज इक्वल टू क्या थी? एस सी बाई लैम्डा थी ना, ये थी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एस सी बाई ई आ गया। ई की जगह एम सी स्क्वायर डाल दो, क्या डालोगे? एम सी स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन एम सी। तो ये है एच अपॉन एम सी,
जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो ये भी है, एच अपॉन एम सी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, क्योंकि फोटोन की स्पीड क्या है, सी है, एम क्या है इसका, कौन सा मास है ये फोटोन का, काइनेटिक मास है, रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, जीरो होता है, ठीक है, रेस्ट में प्रोटॉन, फोटोन हैज नो मीनिंग एट रेस्ट, ठीक है, इट इज़ अ एनर्जी पार्टिकल, काइनेटिक मास है इसका ही, तो जो 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 इसने जो है डी ब्रॉगली ने यहाँ से एनालोगी लिया, इस फॉर्मूला एनालोगी लिया, एनालोगस फार्मूला दिया उन्होंने डी ब्रॉगली वेव के लिए, क्या कहा उन्होंने, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, क्या होगी उसकी वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी वी, एम सी को क्या लिख सकते हो, एच अपॉन पी लिख सकते हो ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव, डी ब्रॉगलीज वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एनालोगस टू द बाय एनालोगी लिया उन्होंने, ठीक है, किसके फॉर्मूला लिया, एनालोगस टू फोटोन, बस फर्क क्या है यहां पे, ये पी जो है वो क्या है, ठीक है, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, यहां पे ये पी क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ठीक है, क्लियर हो गया, अब इस पे हमारा न्यूमेरिकल आएगा, इस पे हमें डिस्कशन करना है, एच अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं जरा बता सकते हो, एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी, और क्या लिख सकता हूं मैं पी को, अंडर रूट टू के एम लिख सकता हूं, देखो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टू के एम, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सप्लोरेट करता है, तो वर्क डन कितना होगा बाय द चार्ज पार्टिकल, वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर चार्ज पार्टिकल में वर्क डन कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, क्यू वी, ये वर्क किस फॉर्म में अपियर होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगी, क्यू वी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कर जाए, तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल क्या होगी, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा ना, ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कितनी होगी, क्यू वी होगी, तो इस के की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू वी लिख सकता हूँ, तो एच अपॉन क्यू वी, अंडर रूट टू क्यू वी एम, ठीक है, अंडर रूट टू क्यू वी एम, ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ऑफ मैटर वेव, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वी इज द स्पीड, के इज द काइनेटिक एनर्जी, और दिस वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको आपके पास होगा जो पार्टिकल होगा उसका नाम होगा आपके पास प्रोटॉन, क्या नाम होगा, प्रोटॉन के मास को क्या लोगे, एम पी, चार्ज को क्या लोगे, क्यू पी, क्या लोगे, एम पी और क्यू पी, इसका बड़ा भाई होगा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के मास को क्या लोगे, एम डी, जो कि क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लोगे, और इसका चार्ज कितना लोगे, उतना ही जितना प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है, और इसका जो बड़ा भाई होगा वो कौन होगा, अल्फा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ठीक है, इसके मास को क्या लोगे, एम अल्फा, क्या होगा ये, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, सबको प्रोटॉन के मास के टर्म में लिखना है, और इसका चार्ज क्या लोगे, टू टाइम्स ऑफ, अल्फा पार्टिकल कब बनता है, जब हीलियम से दो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, तो क्यू अल्फा जो है वो क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, अरे प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस, किसका, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए
तो क्या बचता है, खाली प्रोटॉन बचता है। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5200 एंगस्ट्रॉम कहां लाई करेगी, विबग्योर वाले रीजन में लाइट है ये। ठीक है, विबग्योर ही तो है ये, 5200 एंगस्ट्रॉम विबग्योर वाले रीजन में है ये वेवलेंथ। तो ठीक है, ये लाइट का फोटोन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है या फोटोन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट पार्टिकल है या मैटर है, पार्टिकल है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करे सच दैट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम उतना ही हो, एग्जैक्टली उतना ही हो जितना कि इस फोटॉन, इस वेवलेंथ के फोटॉन का मोमेंटम है। देखो पहले इस वेवलेंथ के लिए इस वेवलेंथ के फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा पहले वो निकाल लो, किसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ, इतना आसान क्वेश्चन है ना, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ कितना, 5200 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच कितना है, 6.63 इंटू 10^-34, और लैम्डा कितना है, 5200 इंटू 10^-10। ठीक है, इतना केजी मीटर पर सेकंड आएगा मोमेंटम। ठीक है, इतना केजी मीटर पर सेकंड आएगा, ये आएगा 1.27 इंटू 10^-27 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, या न्यूटन इंटू सेकंड भी कह सकते हो। तो इतना आया मोमेंटम किसका, इस फोटॉन का मोमेंटम इतना है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चले सच दैट उसका मोमेंटम उतना ही हो जितना कि इस फोटॉन का मोमेंटम। तो देखो ये आ गया किसका मोमेंटम, फोटॉन का। अब स्पीड बतानी इलेक्ट्रॉन की सच दैट उसका मोमेंटम इतना ही हो, तो क्या होगी स्पीड, पी इज इक्वल टू एम वी लगा दो। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई एम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू पी बाई एम लगाओगे तो क्या आएगा, 1.27 इंटू 10^-7 इंटू 9.1 इंटू 10^-31। और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी लगा सकते हो डायरेक्टली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, v निकालना है ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी आ रही है, 1395 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉमा ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, पहला पार्ट है हैविंग सेम मोमेंटा। ठीक है, दूसरा पार्ट है हैविंग सेम स्पीड। तीसरा पार्ट है हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। चौथा पार्ट है एक्सेलरेटेड बाय सेम पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नहीं आया, एक भी नहीं आया, हद हो गई यार। देखो पहला क्या है, सेम मोमेंटा,
सेम मोमेंटम के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लगाओगे, मोमेंटम की बात कर रहा है ठीक है। इसके लिए लगाओगे डी ब्रॉगली का एल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसके लिए लगाओगे सेम स्पीड वाले के लिए स्पीड वाला फार्मूला एम वी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो यहाँ लगाओगे एच अपॉन अंडर रूट टू के एम, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है तो यहाँ लगाओगे एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम, सारे फार्मूले इस्तेमाल कर लिए मैंने ठीक है। तो सबसे पहले किसका रिएक्शन निकालना है, है? ये अल्फा क्यों लिख दिया मैंने, लैम्डा ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का रेशियो, न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन, तो सब कुछ सेम है, एच सेम पी सेम, तो क्या आएगा 1:1:1 ठीक है, सबकी वेवलेंथ सेम। दूसरा है क्या, एच अपॉन एम वी, तो क्या क्या सेम हो गया देखो, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो रेशियो में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती है, एच बाई एच कैंसिल हो जाता है नहीं, तो तीनों रेशियो में तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा पार्टिकल कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा प्रोटॉन, तो क्या बचेगा रेशियो में, यहाँ से बचेगा मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा कितना है 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, डायरेक्ट रख रहा हूँ ठीक है, प्लस क्या बचेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 2 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के टर्म में रख दो और मास ऑफ प्रोटॉन, तो बात देखो रेशियो में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती है ना, तो एम पी एम पी एम पी गया, बचा क्या 1/4, 1/2, 1 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/4 कितना हो गया 1 ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 2, वहाँ कितना आ गया 4, 1:2:4 1:2:4 नाउ तीसरे में क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या लगाओगे एच अपॉन अंडर रूट टू के एम, तो क्या क्या सेम, एच कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या खाली, सबके काइनेटिक एनर्जी सेम है, रूट एम बचेगा, तो अल्फा पार्टिकल का रेशियो, न्यूट्रॉन का रेशियो, प्रोटॉन का रेशियो ठीक है, किसका मास 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट के अंदर है, 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास, यहाँ किसका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या होगा अंडर रूट 2 mp और क्या होगा ये अंडर रूट mp, तो mp कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर से, क्या आएगा बोलो 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ √2 आएगा, यहाँ 1 आएगा ठीक है, 2 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 2 से कर दूँ, ठीक है यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 2, ऐसा भी हो सकता है फिर √2 से भी कर दोगे और जान क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग के लिए दोनों तरफ जाना पड़ेगा ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तीसरा क्या है, चौथा क्या है, है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम, तो v सेम हो गया, 2 सेम हो गया, h सेम हो गया, सबके लिए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल का रेशियो, न्यूट्रॉन का रेशियो, प्रोटॉन का रेशियो, यहाँ रखो चार्ज कितना टाइम 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ठीक है। फिर क्या रखोगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या है भाई, चार्ज सेम मास डबल, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और उसमें क्यू पी एम पी, तो क्या बचा यहाँ 1/√2 √2 1 या तो यही आंसर छोड़ देंगे या फिर 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:2 ठीक है।